तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपका टीचर विकास, आप अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए बहुत सारे लेटेस्ट जॉब लेके आए हैं, जो कि गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन वो सारे जॉब्स आपकी नालेट के अंतर्गत आती है, यानी कि नालेट दिल्ली में आपकी जो है ये वैकेंसी निकली है। और बहुत सारी मात्रा में वैकेंसी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है, मैं उसी के हित में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो आपको बताई जाती है वो या तो ओ लेवल की होती है, ए लेवल या बी लेवल, या नालेट के कोई भी अदर कोर्स होते हैं उससे संबंधित होती है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, हमारे पास आई है, देखिए आपकी नालेट दिल्ली में ही आपकी आई है, ठीक है। और ये ओपनिंग डेट हुई है 15/7 से इसका जो है ओपनिंग हुआ है। और अलग अलग जगह पर देखिए जो इसके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं वो करीब लिखा गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में अवेलेबल हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं पहले उस पर हम देख लेते हैं एक हाईलाइट, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन देखिए बहुत सारी हाई लेवल की भी हैं, जैसे कि साइंटिस्ट सी, पहली पोस्ट जो इसमें आई है वो साइंटिस्ट सी लेवल की है, जिसमें कि एससी कैटेगरी की टोटल एक वैकेंसी है। और पे स्केल आप देख सकते हैं 67,700 से लेके 2 लाख के आसपास सैलरी इसमें होती है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है। इसमें रेगुलर बीटेक हो आपके पास, या एमटेक हो, पीएचडी कंप्यूटर साइंस तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस है, ठीक है। मैं अवगत करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, बाकी अप्लाई आपको कौन सी करनी है वो आप लोग देख लीजिएगा अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार। दूसरी हमारे पास है देखिए साइंटिस्ट बी की, जिसमें कि टोटल है 12 वैकेंसी, ठीक है। और ये लेवल 10 मैट्रिक पे के अनुसार 56,100 से लेके 1,77,000, ठीक है। और इसमें भी आपसे संबंधित कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं अवेलेबल है, ओ ए बी सी लेवल नहीं मांगा गया है। हाँ, लेकिन अगर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी किसने किया हो, या फिर फिजिक्स से, या फर्स्ट क्लास आपने किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें नील है आपका ए के लिए, और ये एमएससी वाले के लिए जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। बाकी कहाँ पे है ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, चेन्नई में, कोलकाता, औरंगाबाद, रोपर और दिल्ली, जहाँ जहाँ पे अवेलेबल हो यहाँ पे दिया गया है। और इंटरव्यू आपका होगा और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है। उसके बाद वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की है, टोटल 2 वैकेंसी है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के साथ आपकी मांग गई है, या 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, प्लस बीटेक हो, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो एमटेक के साथ, ठीक है, जो कि है हेड क्वार्टर जम्मू एंड कश्मीर में आपकी आई है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है नंबर 4 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की है, एक पोस्ट है, इसमें भी आपका 56,000 के आसपास है। और इसमें आपका मांगा गया है ग्रेजुएशन हो आपके पास 60% के साथ, या पीजी डिप्लोमा आपका एचआर मार्केटिंग आपके पास हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास एचआर और इससे आपके पास हो, या एमबीए हो एचआर मैनेजमेंट से, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी पोस्ट है कहाँ पे, गुवाहाटी में, अप टू 40 ईयर एज इसमें मांगी गई है, ठीक है। और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस ए के लिए, मतलब 7, 5 और 2 मिनिमम एक्सपीरियंस, 2 बाकी अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अनुसार आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से आपकी जो है नंबर 5 से आपको जो है अप्लाई करना है, डिप्टी मैनेजर डेटाबेस के लिए वैकेंसी है, एक है यहाँ पे बेसिक एक वैकेंसी है, और इसमें भी आप 44,900 से 1,42,000 तक सैलरी है, 3 साल आपका जो है फुल टाइम बीएससी कंप्यूटर साइंस हो आपके पास, या फिर 3 साल बीसीए आपके पास हो, या फिर डोएक का ए लेवल आपने किया हो विद मैथमेटिक्स के साथ 10+2 होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी आपके पास है, देख सकते हैं, डोएक का ए लेवल हो आपके पास प्लस 10+2 हो विद आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो पॉलिटेक्निक में जो होता है, और विद मैथमेटिक्स 10+2, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका देखिए यहाँ पे दिया गया 7 ईयर्स ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए कम से कम, ठीक है। हेडक्वार्टर आपके लिए वैकेंसी है, और इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, ठीक है, तो एक ये वैकेंसी आपके लिए है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है नंबर 6 में है प्राइवेट सिक्योरिटी की, जो कि टोटल एक पोस्ट है, इसमें 44,000 से 1,42,000 इसमें भी है, इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और नालेट का CCC या फिर हायर सर्टिफिकेट हो, यानी कि CCC, CCC+ या ECC या अवेलेबल हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा इसमें, जो कि डिक्टेंशन 7 मिनट में आपको 100 वर्ड यहाँ पर टाइप करने हैं, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो आपका है वो 45 मिनट इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी इंग्लिश का आपका होगा, ठीक है, जो कि रोपर में है, ठीक है।
इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का। नंबर 7 पे है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका रेगुलर बी बी टेक वगैरह हो या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो या फिर एमसीए हो या फिर बीएससी विद मैथमेटिक्स से हो या फिर बीसीए हो, ठीक है, या फिर डोएक का बी लेवल हो 60% मार्क्स के साथ और 10+2 हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 में है टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर की 1 वैकेंसी है, इसमें आपका बैचलर डिग्री हो आपके पास, नाइलेट का ट्रिपल सी आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास 9 नंबर पे सीनियर टेक्निकल है, इसमें आपका सिविल की है तो इसमें जाहिर सी बात है सिविल की क्वालिफिकेशन मांगा गया होगा और इसमें खाली सिविल का ही और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी आपकी ये है। पर्सनल असिस्टेंट की है वैकेंसी, जिसमें कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास प्लस ट्रिपल सी होने चाहिए और 7 मिनट में 100 वर्ड टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन आपको 45 मिनट इंग्लिश और 60 मिनट आपका हिंदी का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी इसकी दी गई है 35,000। बहुत सारी देखिए वैकेंसी है, मैं सारी आपको दिखा दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आए वो अप्लाई कर सकते हैं। 11 नंबर पे है सीनियर असिस्टेंट की है, टोटल इसमें 4 हैं और इसमें भी ग्रेजुएशन विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपका नालट का ट्रिपल सी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नंबर 12 पे है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है, 35,000 से लेके 1,20,000 सैलरी है, ग्रेजुएशन हो कॉमर्स के साथ 60% के साथ या डिप्लोमा इन फाइनेंस हो आपके पास, ठीक है, या फिर एमबीए फाइनेंस के साथ 60% मार्क आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस में नाइलेट का ट्रिपल सी या हायर कोई सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 पे है जूनियर असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास विद टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की मांगी गई है, इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और हिंदी की 25 मांगी गई है, नाइलेट का जो है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ओ लेवल की भी डिमांड हो गई। उसके बाद है इसमें देखिए एक ड्राइवर की है, ड्राइवर के लिए आपका जो है वैलिड मोटर कार का आपके पास सर्टिफिकेशन 10+10 पास होना चाहिए आपके पास और एक्सपीरियंस मोटर में आपका एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 19,900 रुपये सैलरी है, काफ़ी अच्छी है। और इलेक्ट्रीशियन की है, इसमें देखिए टोटल 1 वैकेंसी, इसमें आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसमें बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस के साथ हो और नाइलेट का ट्रिपल सी मांगा गया है, ठीक है। मल्टी टास्किंग स्टाफ में 13 वैकेंसी है, ठीक है, 10 मांगा गया है इसमें और आपका जो है ट्रिपल सी मांगा गया है तो अगर इसके ऊपर की आपके पास सर्टिफिकेट ऐसे ओ लेवल या ए लेवल तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 13 वैकेंसी है और ये औरंगाबाद और आपकी कोलकाता में है तो इसको ज़रूर आप लोग और इसमें आपका रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम खाली होना है, ठीक है। और सैलरी इसमें आपको दी जा रही है 18,000 से लेके 56,900, तो ये वाली वैकेंसी ज़रूर आप लोग अप्लाई करें MTS वाली, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ट्रिपल सी प्लस ओनली 10+2 मांगा 10 मांगा गया है। तो इतनी देखिए वैकेंसी हैं आपके पास, करीबन 17 वैकेंसी हैं जो मैंने सारी अवगत आपको करा दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे दी गई है, तो लेवल 10 एंड उसके अबव या फिर लेवल 10 उसके बिलो जो हैं उसकी अलग अलग फ़ीस हैं। 400 रुपये पर एप्लीकेशन की इसमें फ़ीस है, जनरल की 800 और 600 रुपये, ये आपके SC वालों की है, ठीक है। और इसमें रिटन टेस्ट आपके होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें OMR पे इसमें आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। और इसमें इसमें बाकी और कोई चीज़ नहीं दी गई है। इसके लिए फॉर्म आपको देखिए कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ से आप देख सकते हैं, register-delhi.nilet.gov.in, ठीक है। उसके बाद जो होम पेज पे आएंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये मिलेगा और इसी में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जो आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो न्यू यूज़र पर आप क्लिक करके ये वाला फॉर्म आपको जो है पूरा फिलअप करना है और जो भी पोस्ट होगी वो आपको इसमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो पोस्ट तो इसमें मेरे मान से नहीं शो हो रही है, जब नेक्स्ट पेज इसका आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसको फॉर्म को भर के यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके और कंटिन्यू करेंगे तो आगे फॉर्म ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो ये कि इसमें फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको कोई हो रही है तो इसमें देखिए आपको लिखा गया है, इस पे आप मेल कर सकते हैं और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोडिंग संबंधित कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। और इसकी जो है लास्ट डेट ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें मेंशन की गई है 13/8,
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 13/8 से पहले आपको जो है इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए जिससे कि जो भी बच्चे हैं अप्लाई कर सकें। और इसमें मैंने वैकेंसी आपको बता दी, ट्रिपल सी की भी है, ECC, BCC, O लेवल या A लेवल या ITI के भी बच्चे हैं उनकी भी वैकेंसी आई हुई है।